लाहौर से आम खबर आपको देंगे। लाहौर के इलाके दरोगावाला में डंपर की टक्कर से हलाक होने वाले अफराद ने रोड ब्लॉक करके मुजाहिरा शुरू कर दिया है। लाहौर के इलाके दरोगावाला में डंपर की टक्कर से हलाक होने वाले अफराद ने रोड ब्लॉक करके मुजाहिरा शुरू कर दिया है। वो रसा इस वक्त रोड पर मौजूद है, टायरों को आग जलाई गई है। लाहौर के इलाके दरोगावाला में डंपर की टक्कर हुई, हलाक होने वाले अफराद ने रोड ब्लॉक करके मुजाहिरा शुरू कर दिया है। हलाक होने वाले अफराद के वरसा ने मुजाहिरा शुरू कर दिया है, ब्लॉक को रोड को ब्लॉक कर दिया है। लाहौर के इलाके दरोगावाला में डंपर की टक्कर से हलाक होने वाले अफराद के वरसा ने रोड ब्लॉक करके मुजाहिरा शुरू कर दिया है। लाहौर का इलाका दरोगावाला जहां डंपर की टक्कर से हलाक होने वाले अफराद के वरसा ने रोड ब्लॉक करके मुजाहिरा शुरू कर दिया है। लाहौर के इलाके दरोगावाला में डंपर की टक्कर से हलाक होने वाले अफराद के वरसा ने रोड ब्लॉक करके मुजाहिरा शुरू कर दिया। जाबक अफराद के लवाहिकीन का रोड ब्लॉक करके एहतजाज। लाहौर के इलाके दरोगावाला में डंपर की टक्कर से दो अफराद हलाक हो गए। वरसा ने इस वक्त एहतजाज शुरू कर दिया है, रोड को ब्लॉक कर दिया है। लाहौर के इलाके दरोगावाला में डंपर की टक्कर से हलाक होने वाले अफराद के वरसा ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज करना शुरू कर दिया है। टायर नजरें आतिश किए हैं, आप मनाजिर देख सकें टेलीविजन स्क्रीन पर। आग लगा दी गई, टायरों को रोड ब्लॉक है, ट्रैफिक जैम हो गया है। लाहौर के इलाके दरोगावाला में डंपर की टक्कर से हलाक होने वाले अफराद के वरसा ने रोड ब्लॉक करके मुजाहिरा किया है। लाहौर के इलाके दरोगावाला में डंपर की टक्कर से हलाक होने वाले अफराद ने रोड ब्लॉक करके मुजाहिरा शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं वकास अहमद से। वकास अहमद, कैसे ये हादसा पेश आया और क्या कहना है वो रसा का? जी सुबह ये एक हादसा पेश आया था, साढ़े सात बजे करीब एक डंपर लोडेड डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा सवार चार अफराद जान भाग हो गए थे, जबकि तीन अभी भी शरीर जख्मी, जिनमें खातून भी शामिल है। इस अफसोसनाक हादसे के बाद ना सिर्फ जाम भाग होने वाले अफराद के गुस्सा ने एहतजाज किया, बल्कि जो अहले इलाका थे वो भी सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने दरोगावाला चौक को ब्लॉक करके ट्रैफिक के लिए शदीद नारेबाजी की। पुलिस और जिला इंतजामिया के लोग मौके पर पहुंचे, मुजाहिरीन से बात की, जिसके बाद मुजाहिरीन को ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म करवा लिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि इस रोड पर जब से ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का काम शुरू हुआ है तब से बहुत ज़्यादा हादसात हो रहे हैं, कीमती जाने ज़ाया हो रही हैं। इंतजामिया और ने कोई ऐसी हिकमत अमली या कोई जो है वो इंतजाम नहीं किए कि हादसा की रोकथाम की रोकथाम हो सके, और यही वजह है कि आए रोज कोई ना कोई या तो मेट्रो ट्रेन पर काम करने वाले डंपर की टक्कर से या फिर किसी और मशीनरी की टक्कर से या उसके हिट होने से हलाकत हो जाती है। दूसरी तरफ जो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ की तरदीद की है कि जो डंपर जिसने आज रिक्शी या रिक्शे और मोटरसाइकिल को, ये इनका नहीं है बल्कि ये एक निजी रमजान कंपनी का नाम से इसको काम करने वाले हैं, जो कि दो मुफर्कला रोड पर एक प्लाजा की तमीर कर रहे हैं और वहाँ से मट्टी को डंप करने के लिए जो है वो मोमनपुरा की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि ड्राइवर जो डंपर का था वो मौके से फरार हो गया है, उसके बारे में मालूम हासिल कर दी, उसे जल्द गिरफ्तार करके मुतासरा जो जाम होने वाले खानदान अफराद हैं उनके जी। शुक्रिया वकास अहमद।